नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम के सेक्शन 36 से लेकर 42 तक में व्यादेश के बारे में बताया गया, जिसमें सेक्शन 37 में टेम्प्रोरी इजेक्शन अस्थाई व्यादेश के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया कि मुकदमा दाखिल होने के बाद तुरंत रिलीफ नहीं मिल पाता क्योंकि मुकदमा लंबे समय तक चलता रहता है। ऐसी अवस्था में सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से उससे प्रार्थना पत्र दे करके टेम्प्रोरी इजेक्शन की मांग किया जा सकता है, जो न्यायालय के विभाग के अधीन पावर होता है। न्यायालय चाहे तो उसे तत्काल स्तर पर टेम्प्रोरी इजेक्शन दे सकता है। सेक्शन 38 में विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम के सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजेक्शन यानी कि चिरस्थायी व्यादेश के बारे में बताया गया, जिसमें कहा गया है कि चिरस्थायी व्यादेश मुकदमे के फाइनल निस्तारण यानी कि निर्णय होने के बाद ही दिया जाता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।